बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज पहला लेक्चर है वो लेक्चर है अलजेब्रा के हवाले से। हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हम चीज़ों को मैथमेटिक्स को आसानी से के साथ समझ सकें। व्हाट इज़ अलजेब्रा? द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स and other general symbols are used to represent numbers and quantities and formulae and equations। मतलब अलजेब्रा का मतलब ये है कि जिसमें लेटर्स और जनरल सिंबल्स यूज हों उसको हम अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा में मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होते हैं, मिसाल तौर टर्म, एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस। तो हमारे जो टर्म्स हैं वो ये टर्म्स हैं हमारी, ये हम इसे टर्म कहते हैं 2x। 2x हमारे टर्म्स होती हैं। अगर 2x प्लस 5 आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। 2x प्लस 5 एक्सप्रेशन। अगर हम 5 ओनली आ जाए तो ये हमारा कोफिशेंट भी बन सकता है और इसे हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ये जो हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इक्वेशन। इक्वेशन हमें उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम देखें कि टर्म की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड आर फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब आर थिंग आर टू एक्सप्रेस आ कॉन्सेप्ट। टर्म का मतलब ये है कि हम किसी भी फ्रेज को या किसी थिंग को, किसी चीज़ को हम डिफाइन कर सकें। एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल सेंटेंस, इट डज नॉट हैव एन इक्वल साइन। मतलब एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि 2x प्लस 5 ये हमारा एक्सप्रेशन है, जिसमें कोई भी सिंबल ना हो उसे हमें एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्वेशन हम उसे कहते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट मैथमेटिकल सेंटेंस दैट इंक्लूड्स साइन ऑफ इक्वलिटी। हम इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें इक्वलिटी की साइन शो हो। मिसाल तौर एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होती है। जो हमारा मतलब होता है कि पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स। ये जो हमारा जो 7n+2, ये जो 7 है, 7 ये हमारा कोफिशेंट है और n जो है हमारा वेरिएबल होता है। और उसके बाद प्लस ये हमारा ऑपरेशन होता है, जो हम किसी भी दो टर्म को हम मिला सकते हैं। और ये 2 है, मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 जो हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल इज अ सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट कैन वेरी। वेरिएबल उसे कहते हैं जो हमेशा चेंज होता रहे। मतलब x y z, हम कोई भी इस्तेमाल लेटर यूज़ कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट उसे कहते हैं। अ कांस्टेंट इज़ अ सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक नंबर, अ क्वांटिटी डज नॉट वेरी। मतलब कांस्टेंट हम किसी भी वेरी नहीं होता, वो कभी चेंज नहीं होता। मतलब 5 है तो 5 होगा, 6 हो तो 6 होगा, और 7 है तो 7 होगा, ठीक है। उसके बाद कोफिशेंट किसे कहते हैं? द नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। हम कोफिशेंट उसे कहते हैं जो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, जैसे 2x, ठीक है। ये जो 2 है ये हमारा कोफिशेंट है, x जो हमारा क्या है वो वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम कुछ मैथमेटिक्स की कुछ जनरल टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें मतलब मैथमेटिक्स को आसानी के लिए, क्योंकि ये हमारे जो टर्म्स हैं ये हमें बेसिक्स हैं जिसे समझना इंतहाई ज़रूरी है। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। 1, 2, 3, 4 ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। उसके बाद इंटीजर्स किसे कहते हैं हम? द इंटीजर्स आर द नंबर -3 to ∞। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ जाएं उससे हम इंटीजर्स कहते हैं। द नंबर लाइन, वी कैन विजुलाइज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ईच पॉइंट लोकेशन ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ नंबर दैट नंबर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम नंबर लाइन पे ये समझ सकते हैं कि ये नंबर हमारा कहाँ से नेगेटिव स्टार्ट होता है और कहाँ से हमारा पॉजिटिव स्टार्ट होता है। ये हमारा जो है पॉजिटिव नेगेटिव है और ये जो हमारा है नेगेटिव है।
उसके बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम कैसे समझ सकते हैं? डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेयर एन एंड प्यू एन एंड डी आर इंटीजर्स एंड डी इज नॉन जीरो। हम रैशनल नंबर्स ऐसे कहते हैं, 1/4 ये हमारा रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर वो होता है जिसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म लिखा जाए और उसकी क्यू जो है वो ज़ीरो ना हो। एग्जांपल जैसे हैं 3/75, 1/4। रैशनल नंबर्स हम उसे कहते हैं एन रैशनल नंबर्स कांट रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉन डी वेयर एन एंड डी आर इंटीजर्स एंड डी इज नॉन ज़ीरो। हम जो क्या कहते हैं कि एन अपन डी के फॉर्म में ना ले सकेंगे। ऐसे मुख्तलिफ और एग्जांपल ऐसे नहीं हैं, मगर इसके जो एग्जांपल होते हैं वो हैं जैसे रेडिकल 3, रेडिकल 1, रेडिकल 1 तो नहीं एग्जांपल, रेडिकल रेडिकल 7, रेडिकल 11, ये हमारे रेशनल के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा डेसिमल्स, डेसिमल जो हमारे पॉइंट्स में शो हो। रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज डेसिमल नंबर दैट इधर टर्मिनेट्स आर रिपीट्स। डेसिमल नंबर वो होते हैं कि रिपीट भी हो सकते हैं, टर्मिनेट भी हो सकते हैं। ये हमारा जो 3/4 ये हमारा टर्मिनेट्स है और ये रिपीट्स हो रहा है। एंड रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज अ डेसिमल नंबर दैट नीदर टर्मिनेट्स आर नीदर रिपीट्स। रैशनल नंबर जो होता है वो कभी टर्मिनेट नहीं होता और कभी वो रिपीट भी नहीं होता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट ऑल द डिजिट्स ऑफ एन इरेशनल नंबर। ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि हम इरेशनल को मुकम्मल तरह लिख सकें। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स जो होते हैं वो द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द रैशनल रियल नंबर्स। हम रियल नंबर को नंबर लाइन में ऐसे शो करते हैं कि जैसे ये हमारी नंबर लाइन में शो हुई हुई हैं। इसके बाद एवरी काउंटिंग नंबर इज एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी मतलब कि ऐसा कहें कि जो नेचुरल नंबर है वो हमारा इंटीजर होता है और हर एक इंटीजर वो रियल रैशनल नंबर होता है, और एवरी रैशनल नंबर जो होता है हमारा रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल नंबर्स। ये आप टेबल जो हमें ग्राफिंग दी हुई है ये आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।